नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ तारा इंसा जी हैं जो बचपन से आ रही हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था में। जानते हैं इनको कैसा माहौल लगता है डेरा सच्चा सौदा संस्था का। नमस्कार तारा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। बचपन से जानते हैं आप सेंट डॉक्टर गुरमीत राम भीम सिंह चिंसा को, कैसा माहौल लगता है? इसकी जैसा माहौल कहीं नहीं। यहाँ पर हम फ्री माइंड आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जैसे बेटियाँ और कहीं जाएँ डर लगता है, यहाँ आते वक्त हमें किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। हम अकेले भी आ सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सुरक्षित महसूस, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम भीम सिंह चिंसा का स्वभाव कैसा है? अब क्या बताएं, वो हमारे माँ बाप से भी ऊपर हैं। एक माँ बाप का स्वभाव आप जानते हैं, सबको पता है कि माँ बाप का स्वभाव क्या होता है। अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार होते हैं, ऐसी वो उनसे भी ऊपर हैं। वो अपने बच्चों के लिए अपने मिशन पर गए हैं, समाज के सारा समाज ही उनके बच्चे हैं और वो हमारे लिए बहुत कुछ हैं। मैम, उनका करेक्टर कैसा है? उनका करेक्टर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं बचपन से आ रही हूँ और सुरक्षित हूँ। फिर करेक्टर वाली तो बात ही नहीं है। ये करेक्टर के लिए दुनियादारी को पता है, वो जो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे, हम खुद भी करेक्टर सेफ यहाँ पर रहते तो वो कैसे नहीं रह सकेंगे सिर्फ करेक्टर सेफ। मैम, मीडिया में टीवी में काफ़ी लग दिखाया जा रहा था, वो तो ऐसे बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि गुरु क्या चीज़ है। गुरु हमारे लिए भगवान से ही बढ़कर है, वो सच हैं और सच ही रहेंगे। मीडिया वाली बात तो हम सुनते ही नहीं, हमें विश्वास है कि हमारा गुरु क्या है हमारे लिए। वो हमेशा सच की जीत होती है, आज तक तो आगे भी होएगी समाज में सच की जीत। तो क्या किया है उन्होंने समाज के लिए, क्या क्या नहीं किया ये पूछा जाए कि क्या नहीं किया उन्होंने समाज के लिए। उन्होंने समाज सुधारने के लिए हर वो कार्य किया है, नशा छुड़वाया है, वैश्यवृत्ति छुड़वाई है, और इससे बढ़कर जुल्म क्या होता है समाज में। उन्होंने जो छुड़वाए हैं यहाँ पर, एक लड़की का घर सुधारा, और क्या चाहिए। वो लड़की क्या दुआएं नहीं देती होगी मालिक को, ये तो अब आप सबको पता है। आज उनकी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत तो है ही समाज को सुधारने के, उनकी ज़रूरत है तो समाज, वो चाहे वहाँ बैठे हैं दुनियादारी के लिए, लेकिन वो उनके लिए उनके बचनों पर चल रहे हैं तो समाज कुछ सुधरा हुआ, हमें आज भी लग रहा है भी समाज सुधरा हुआ है। उनकी ज़रूरत तो समाज को है आगे भी सुधारने के लिए।